अभी वो चिल्ड्रन राइट्स वायलेट हो रहा है, बच्चे खुले में रह रहा है, रात को आसमान में तारे गिन रहे हैं, वो बच्चे फ्यूचर में जाके इस देश का क्या नागरिक बनेंगे। बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो जुल्म करने के लिए ही जानी जाती है, अगर आप गलत काम करेंगे तो उसका विरोध भी जाहिर सी बात है लाजिम है। नमस्कार, स्वागत है आपका जनहित आवाज में, मैं हूँ आपके साथ पूजा। और आज जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यहाँ पर लोगों की सभा जुड़ी है, जो सम्मेलन यहाँ पर जुटा है, तो अभी इन्हीं लोगों से जानेंगे क्या कुछ मसला है, क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं। तो सर, सबसे पहले ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपने जो ये सभा रखी है, किस चीज़ को लेकर रखी है, क्या मुद्दे हैं? देखिए, हम लोग असम से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ दिल्ली में आए हैं। दो दिन पहले हम लोगों ने एक धरना भी दिया, आज एक हम नेशनल लेवल के सिंपोजियम कर रहे हैं। यहाँ का इंटेलेक्चुअल्स का साथ, हम लोग अपना जो प्लाइट से, हम लोगों का जो डिफ़िकल्टीज है, वो इन लोगों को बोलने के लिए आए हैं और देशवासी को ये इन्फॉर्म करने के लिए आए हैं कि असम में क्या हो रहा है। अभी देखिए, लगभग 19 लाख लोगों का नाम NRC से हट गया है, उन लोगों का नाम एक्सक्लूड किया गया है। एज़ पर रूल्स, उन लोगों को वो एक्सक्लूशन चैलेंज करने के लिए उन लोगों को एक फेयर चांस देना था, तो उन लोगों को रिजेक्शन स्लिप्स देना था और वो लोग उस रिजेक्शन स्लिप को एक अप्रोप्रिएट फोरम में उसको चैलेंज करते, क्योंकि उनके पापा के नाम है उनका नाम नहीं है, उनके बड़े भाई के नाम है उनके नाम नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? कोई अगर फॉरेनर्स है, किसी का नाम अगर एक्सक्लूड हुआ है, उसका पूरा फैमिली का नहीं होगा। तो इस इश्यूज़ को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं कि देखो ये सब हो रहा है और NRC के नाम पर जो गंदा पॉलिटिक्स हो रहा है असम में, उसको हम लोग हाईलाइट करने के लिए आए हैं और बोलने आए हैं कि हिंदुस्तान का लोगों को NRC और NPR के अगेंस्ट में आप लोगों का जो डर है वो मुनासिब है। ये सब हो सकता है कि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को अटैक किया जा सकता है, क्योंकि अगर किसी अल्पसंख्यक का कोई एक कागज़ मिस होगा तो उनका नाम तो एक्सक्लूड हो जाएगा, अगर लेकिन सेम अगर डॉक्यूमेंट्स किसी मेजॉरिटी कम्युनिटी का होगा तो उनको अलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का प्रोटेक्शन को मिल जाएगा। सो इस तरह का डिफ़िकल्टीज़ है। और आप लोग रिसेंटली आप लोग देख रहे हैं, हम असम में जो UP में हो रहा था बुलडोजर का पॉलिटिक्स, आज अभी ब्रह्मपुत्र रिवर का इरोशन के कारण से लैंड इरोड होता है, अपना ज़मीन जब खोते हैं वो लोग सोचते हैं कि वेलफेयर स्टेट आके हम लोगों को रिहेबिलिटेट करेगा, अपना देश एक वेलफेयर स्टेट है, लेकिन जब रिहेबिलिटेट नहीं करते हैं, अपने बीवी बच्चे लेके फैमिली लेके जहाँ वेकेंट जगह मिलते हैं वहाँ जाके वो लोग एस्टेब्लिश होता है। अभी डेकेड्स 10-20-25 साल से वहाँ रह रहे हैं, अचानक से गवर्नमेंट आके बोलते हैं ये ज़मीन से उन लोगों को एविक किया जाता है। अच्छा, अभी आपने बुलडोजर का बताया, तो बुलडोजर के लिए तो योगी जी यही बोलते हैं कि पत्थरबाज हैं, दंगा करते हैं, उन्हीं के घर पे बुलडोजर चल रहा है। यूपी में क्या होता है हम नहीं जानते, लेकिन असम में तो पत्थरबाजी का कोई नैरेटिव नहीं है। वहाँ पे भी हुआ था दंगा? नहीं, वहाँ दंगा कहाँ हुआ था हमको तो पता नहीं चला कि कोई दंगा हुआ है। अभी रिसेंटली एक मदरसा में जहाँ 10-12 साल का बच्चा पढ़ते वहाँ भी बुलडोजर चला दिया, तो कौन पत्थर मारा था वो बात नहीं है। अभी वो लोग एक सिचुएशन करना चाहते हैं, एक पिक्चर क्रिएट करना चाहते हैं, देखो हम लोग एक कम्युनिटी के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं, और जब अत्याचार करने का पिक्चर निकलता है तो वो लोग एक कम्युनिटी के सामने हीरो बनता है। तब हिमंत विश्व शर्मा जी शायद असम में योगी मॉडल कॉपी करके योगी का एक कॉम्पिटिटर बनना चाहते हैं नेशनल लेवल में, हम लोगों को ऐसे लग रहा है। अभी हम लोग बोलना चाहते हैं अगर गवर्नमेंट लैंड किसी को चाहिए तो ले लो, लेकिन पहले अपने देश के नागरिक को रिहेबिलिटेट तो करो, उनका फंडामेंटल राइट है, अपना शेल्टर उन लोगों का फंडामेंटल राइट है। अभी वो चिल्ड्रन राइट्स वायलेट हो रहा है, बच्चे खुले में रह रहा है, रात को आसमान में तारे गिन रहे हैं, वो बच्चे फ्यूचर में जाके इस देश का क्या नागरिक बनेंगे। तो ऐसे बहुत सारा चीज़ें बीच में मैंने बोला, अभी मदरसा एजुकेशन फंडामेंटल राइट है मेरा, आर्टिकल 29-30 में माइनॉरिटी पॉपुलेशन कैन एस्टेब्लिश देयर ओन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उस हिसाब से हम लोगों का इंस्टीट्यूशन है। गवर्नमेंट मदरसा बंद कर दिया गया है और जो मदरसा प्राइवेट मदरसा है उसमें रोज़ एक के बाद एक एलिगेशन आता है, यहाँ जिहादी हैं, यहाँ वो है वो है। अगर कोई है मान लो उसको लेके एस पार लो, उसको प्रोसिक्यूट करो, लेकिन अगर सपोज कोई JNU का, जमिया का या DU का एक प्रोफेसर का किसी का साथ लिंक हुआ, उसको अरेस्ट करके उसको जेल में डालेगा या पूरा JNU या जमिया को तोड़ देगा बुलडोजर से, तो वही हो रहा है। रिसेंटली एक मदरसा में किसी एक आदमी का किसी का साथ फ़ोन कॉल में रिकॉर्ड मिला, उसको उसके कारण एक 3 मोहल्ला मदरसा तोड़ दिया। जब पूछा गया क्यों तोड़ा, तब बोलता है ये एस पार नॉर्म्स नहीं बना है। तो इस तरह का लैम एक्सक्यूज दे के जो अत्याचार चल रहा है, माइनॉरिटीज को अपने ऊपर ऑपरेशन चल रहा है,
उसको हम लोग बोलने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए यहाँ आए हैं। अभी माइनॉरिटीज का नाम एनआरसी में जिसका नाम नहीं है वो बायोमेट्रिक्स जो लॉक हो रहा है उसका कारण से आधार कार्ड नहीं मिल रहा है, तो दे आर लिविंग इन ए स्टेट ऑफ स्टेटलेसनेस। उन लोगों को कोई गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है। ये सब सारा जो चीज़ है, ये चीज़ लेके हम लोग देशवासी पूरा आसाम के बाहर जो हम लोगों का सेकुलर भाई बहन है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, सबको बोलने के लिए आए हैं। आसाम के स्पेशली माइनॉरिटीज़ के साथ आप लोग खड़ा हो, आप लोग आवाज़ दो, हम लोग अभी अकेले फील कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? असम से आए हैं। असम से आए हैं और अपना पद और परिचय भी? मोहम्मद इम्तियाज हुसैन, जनरल सेक्रेटरी ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट। थैंक यू। अच्छा अच्छा मैम, ये अभी सर ने बताया जिस तरीके से राजनीति हो रही है CAA NRC में और सबको लागू कर दिया जा रहा है, ये सब जो मुद्दा आप लेकर के आए हैं, तो इसमें सारे वही असम से ही लोग आए हैं या यहाँ से भी कोई है? जी, आसाम से ज़्यादा लोग आए हैं और यहाँ से भी हमने इनवाइट किया, यहाँ से भी लोग हैं बहुत। तो असलियत में ये हुआ कि आसाम का जो मुद्दा है, आसाम में जो प्रॉब्लम हो रहा है, वही इश्यूज मतलब लेके यहाँ हमने डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ में नेशनल लेवल पे वो इशू खड़ा हो जाए और सब लोगों को पता चले कि वहाँ पर माइनॉरिटीज़ लोगों के साथ, स्पेशली मुस्लिम लोगों के साथ जो हो रहा है, मतलब BJP सरकार ने जो कर रहे हैं, वो मुद्दा बाहर आए, बाहर तक पहुँच जाए और लोगों को पता चले कि किस तरीके का बेइंसाफी हो रहा है वहाँ पे। स्पेशली बुलडोज़र का बात अगर आप देखें कि मदरसा पर बुलडोज़र हो रहा है, जो स्टूडेंट्स है, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर मतलब परेशानी हो रहा है। रात में बुलडोज़र लगाया, सुबह मतलब स्टूडेंट रात में कैसे जाएंगे, बहुत परेशानी हुआ। और आप देखें कि NRC का जो मुद्दा वहाँ पर हो रहा था, वो भी इशूज़ बहुत परेशान में है अभी लोग, कि नोटिस आता है रात में ये सब। और लास्ट आपको पता चलेगा कि वहाँ दरंग डिस्ट्रिक्ट का धौलपुर में जो इंसिडेंट हुआ कि एक फायरिंग भी किया, मतलब तो लोगों का डेथ हुआ, इस तरफ का इंसिडेंट जो नेशनल लेवल पे फोकस हुआ, और एक जो पोर्टल का एक सांबादिक था वो उन्होंने मतलब एक डेड बॉडी के ऊपर से जंपिंग किया, तो वो इश्यूज़, वो फोटोज़ बहुत वायरल हुआ, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे गया कि उन लोगों का कितना हद तक मतलब मुस्लिम लोगों के ऊपर जो घृणा होता है, इस तरह का इशूज़ मतलब बाहर आ गया कि वहाँ पर क्या हो रहा है असलियत में। तो ये जो इशूज़ है मुस्लिम के ऊपर स्पेशली और माइनर लोगों के ऊपर, वो सब इश्यूज हम लेके नेशनल लेवल पे, आपको पता चला कि परसों हमने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर में, और आज हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये सिंपोजियम रखा। इसलिए रखा कि यहाँ पे हमने दिल्ली का ही गेस्ट लोगों को इनवाइट किया, बड़े जो एडवोकेट्स हैं उन लोगों को, सुप्रीम कोर्ट का उन लोगों को रखा, अभी उन लोगों का भी बयान रखेंगे। और NRC का इशूज़ फुजल आयुबी सर ने भी, हमारा एडवोकेट है, तो उन लोग आएंगे, अभी बात करेंगे। तो ये सब मुद्दा नेशनल लेवल पे सबको पता होना चाहिए, और हम लोग वहाँ पे जिस मुद्दे पे इतने दिन काम कर रहे हैं, हम अभी ये सारे कि उस इशू आसाम से लेकर अभी नेशनल लेवल पे आए और सबको पता चले और ये सब हमारे साथ जोड़े और ये जो प्रॉब्लम है ये सोल्व हो जाए। क्या नाम है मैम आपका? हसीना अहमद, सेक्रेटरी AMSU। अच्छा सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि अभी मैम ने बोला कि जैसे CAA NRC, तो जो अमित शाह हैं उनका कहना तो ये है कि भाई जो घुसपैठिए हैं उनके लिए हम लोग लागू कर रहे हैं, तो इससे पता चल जाएगा कि भैया CAA NRC में वो निकल के आ जाएंगे। आप जो बात करें, अमित शाह जी ने कहा है इलीगली इमिग्रेंट्स के बारे में कहा है, तो कहाँ से फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 28, 29, 30 ये वायलेट कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट का वायलेट कर रहे हैं कि आप एक तरफ उन लोगों को 6 साल में नागरिकता दे रहे हैं अगर वो मेजोरिटी है, अदर को 11 साल में दे रहे हैं, तो ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। अगर इतने दिन से ये थे तो हमारा होम मिनिस्टर कहाँ था, जो आज हम लोग के साथ अम्पीजमेंट हो रहा है माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ आसाम में, बराबर ये चीज़ें हैं, उनके साथ कौन खड़ा होगा? हम लोग खड़े हो सकते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये मोमेंट जो है नेशनल मोमेंट हो जाए, मतलब इससे लोगों के बारे में जानकारी हो, आसाम के लोग काफ़ी टाइम से सफ़र कर रहे हैं, तो ये गलत है, हम इनको कंडेम करते हैं। तो अगर हम जाएंगी आपकी कहीं तक पहुंचेगी जवाब? नहीं, ये आसाम के लोग ये जो प्रोग्राम किए हैं हम इनके साथ खड़े हैं, और हो सकता है कि ये लोग आगे बढ़ें, ये लोग लीड करेंगे, और हम लोग को जहाँ हेल्प होगा हम लोग साथ खड़े रहेंगे। दिल्ली से ही हैं? हाँ, हम दिल्ली से। मेरा नाम अफजाल आलम हुआ।
जी सर, अभी जैसे अभी सारे मुद्दों पे तो बात हुई है, CANRC लगातार जिस तरीके से मदरसों पे बुलडोज़र चल रहा है, बुलडोज़र की राजनीति बताई जा रही है, तो इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, BJP गवर्नमेंट जो है वो जुल्म करने के लिए ही जानी जाती है, और जिस तरह आपने देखा कि अभी असम के कई इशूज़ है जिसमें NRC CA जो है उसको लेकर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लोग जमा हुए हैं, तो कहीं ना कहीं NRC के खिलाफ जो है मुहिम छेड़ने वाला, एक लड़ाई देश के सामने जो लाने वाला एक राज्य है वो असम है। ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, आई थिंक कि देश को ही नहीं मालूम है। लोगों को लगता है कि ये जो लड़ाई है ये जामिया से शुरू हुई, दिल्ली से शुरू हुई है, लेकिन ये असम से शुरू हुई है। तो ये असम की जो लड़ाई है वो देश की लड़ाई है, क्योंकि असम देश से बाहर नहीं है, ये देश का एक अभिन्न अंग है। और जिस तरीके से वहाँ पर असम के लोगों के साथ में व्यवहार किया जा रहा है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये कहीं ना कहीं ऐसा फील कराता है कि जैसे आप कश्मीर का मुद्दा देख लीजिए, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे जो कश्मीरी हैं वो कहीं नहीं जा पा रहे, वो ना आजाद हो पा रहे हैं और ना ही वो देश के साथ में आ पा रहे, क्योंकि वो आप जब तक किसी सामने वाले को आप यह एहसास नहीं दिलाइएगा कि आप हमारे एक अभिन्न अंग है, तो वो कैसे फील करेगा कि हम सेफ है। वही कश्मीरी पंडित अच्छे से रह पा रहे हैं, ऐसा बताया रह पा रहे हैं। अभी आप देखिए नेशनल मीडिया तो दिखाई नहीं रही कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हो रहा है। एक डायरेक्टर है अभी आया है, उसने मूवी बनाई और उस मूवी के नाम पे करोड़ों रुपया बनाया, लेकिन जो कश्मीर के जो असल मुद्दे हैं, जिस तरीके से कश्मीरी पंडित जो हैं जो माइग्रेंट करके वहाँ अपने अपने राज्य से दूसरे राज्य में चले आए, उनको आप फिर ले जाकर बसाइए ना, ऐसा आप मुझे किसी भी कश्मीरी पंडित के बारे में बतलाइए या फिर किसी मिनिस्टर के बारे में बतलाइए जिन्होंने कैंपेन चलाया हो कि जो वहाँ कश्मीर से छोड़ के, पहले क्या हुआ डजंट मैटर, लेकिन अभी अगर आप कह रहे हैं कि हम कश्मीरी पंडित के साथ में है, तो आप कश्मीरी पंडित को ले जाकर आप कश्मीर में बसाइए फिर से। किसने रोका है? आपका गवर्नमेंट है, गवर्निंग बॉडी में आप है, सेंट्रल में आप है, स्टेट में आप है, उसके बाद भी अब बस गेम खेल रहे हैं। तो ये गेम पॉलिटिक्स है जो BJP हमेशा से करते आ रही है। सरकार तो दावे वादे कर रही है कि वहां तो प्लॉट कट रहे हैं, हिंदू आराम से रह सकता है। ये बस वही है ना, कहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज है, अब जो रियल यूनिवर्सिटीज है उसको बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने, उसके जगह पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज शुरू किया। तो ये जितना भी ज्ञान है वो व्हाट्सएप से मिलता है, और ये उन अनभक्तों के लिए है जो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं फेयर तरीके से, वो उनको अंडरस्टैंडिंग जो प्रॉब्लम होता है, एक लैक ऑफ अवेयरनेस कह सकते हैं कि चीज़ें उनको समझ में नहीं आती या फिर जो सच्चाई है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो ये ऐसे ही है, कितने लोगों ने, क्या आपने लिया कश्मीर में या फिर आपके कैमरामैन ने, उन्होंने लिया क्या जाकर कश्मीर में प्लॉट? तो ये बकवास है, हमारे पास यहाँ पे खाने के लिए नहीं है, हम कश्मीर में जाएंगे प्लॉट लेने के लिए? तो ये वैसे ही बेवकूफ़ बनाने वाली बात है और कुछ नहीं है। अच्छा, भाजपा पे हर कोई निशाना साधता रहता है, आप लोगों को बड़ी गुस्सा रहता है भाजपा पे, राष्ट्रीय पार्टी बताई जाती है और अपने आप को देशभक्त पार्टी। सबसे जरूरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मुसलमान को भाजपा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हमें भाजपा से प्रॉब्लम है। देखिए गवर्नमेंट में, गवर्निंग बॉडी में जो भी पार्टीज आती है, ठीक है, वो हमें रूल करती है यहाँ पे, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में किसी न किसी को हम चुन कर यहाँ पे रखते हैं कि वो निज़ाम को चलाए। हमें भाजपा से प्रॉब्लम नहीं है, हमें जो भाजपा की गलत नीतियां हैं उनसे प्रॉब्लम होता है। हम कभी भी भाजपा का विरोध नहीं करते हैं, इवन भाजपा हो कांग्रेस हो, हमें तो बस हमने बनाया है ना। अगर भाजपा इस देश में राज कर रही है डेमोक्रेटिक तरीके से, तो हमने चुना है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री है, हमने उन्हें चुनकर बनाया, तो हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें भाजपा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके कोई नीति आ रही है तो उसका विरोध करना भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, तो उसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं, उसके विरोध में हम बोलते हैं, तो उसके विरोध में बोलना भाजपा का विरोध नहीं होता है। आप अच्छे काम कीजिए हम आपका अप्रिशिएट करेंगे, अगर आप गलत काम करेंगे तो उसका विरोध भी जाहिर सी बात है लाजिम है। अच्छा, सरकार के जो और नेता है, जो भाजपा के मैं नेता की बात करूं, बड़े मुस्लिम्स को भगाने की बात करते हैं, उनको उनका बहिष्कार करने की, अभी प्रवेश वर्मा का ही जो अभी लेटेस्ट आपने सुना ही होगा, उन्होंने अभी यहाँ पे दिया था बयान इतना बड़ा, लेकिन वहीं मोदी जी हैं वो तो मुसलमानों के साथ खड़े हैं, अजान वगैरह पढ़ने के लिए बात करते हैं, मुस्लिम्स के लिए उनके उनके फेथ की बात करते हैं। वहीं पर अमित शाह जब भाषण दे रहे होते हैं, अजान होती है तो अपना भाषण रोक देते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे नेता हैं वो इस तरीके के बातें करते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है, रिस्पेक्ट करते हैं, अगर माननीय मोदी जी हैं या अमित शाह जी हैं, अगर किसी दूसरे धर्म के रिलीजियस सूझ को अगर वो उठा रहे हैं या फिर रिलीजियस सेंटिमेंट को देख कर वो उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें प्रवेश वर्मा हो या कपिल मिश्रा हो, तो इन लोगों को भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब गवर्नमेंट के तरफ से इनके ऊपर कसंजा नहीं कसा जाता है, जब ये समाज को तोड़ने की बात करते हैं,
दंगा फैलाने की बात करते हैं, समाज में जो हमारा एक आपसी भाईचारा है उसको ब्रेक करने की बात करते हैं, तो ये जो बात है इसके ऊपर लगाम किसको लगाना चाहिए? गवर्निंग बॉडी में जो सेंट्रल पार्टी है, जिस पार्टी के ये लोग नेता है, उस पार्टी को लगाने की जरूरत है। अमित शाह उसको फॉलो नहीं कर रहे, माननीय मोदी जी फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर इन लोगों को किसने छूट दिया कि वो आकर समाज में समाज को बांटने की बात करते हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि ऐसे जितने भी छिटपुटिए नेता है उनको आप अपने उस उन कहने का मतलब कि उनको अपने औकात में रखिए। अगर वो इस तरीके से बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके और जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में क्योंकि चूंकि आप पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, पूरे भारत के प्रधानमंत्री है, तो कहीं ना कहीं अगर किसी रिलीजन के खिलाफ ये अगर कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उस रिलीजन को आपसे दूर कर रहे हैं। ये कपिल मिश्रा की बात नहीं है, माननीय मोदी जी लोग हैं जो जहर भरने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल कुछ लोग हैं, हम तो सब लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई, तो हमारे लिए तो सब एक है। हमें किसी हिंदू से प्रॉब्लम नहीं, हमें किसी सिख से प्रॉब्लम नहीं, किसी से इवन हमें मोदी जी से भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके जो कुछ लोग हैं उनसे प्रॉब्लम है, जो हमेशा समाज को तोड़ने की बात करते हैं, दंगा भड़काने की बात करते हैं। अब आप देखिए अभी फिलहाल अभी हाल में जो आजम खान साहब के ऊपर में कार्रवाई की गई है, एक पुराना रिकॉर्ड निकाल कर आप उनके ऊपर आपने उनका सदस्यता रद्द कर दिया, लेकिन जो ऑन रोड आकर बोलता है, ऑन एयर बोलता है, मारने की बात करता है, काटने की बात करता है, गोली मारो सालों को, किसने बोला? ये ऑन रिकॉर्ड है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई बतलाइए? कपिल मिश्रा रोड पे आकर उन्होंने डीसीपी के सामने भड़काऊ भाषण दिया, आप बतलाइए कि उनके ऊपर कोई भी एफआईआर है? कोई भी एक सेक्शन में एफआईआर हो बतलाइए? नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो कहीं ना कहीं जो दूसरे लोग हैं उनको लगेगा कि आप हमारे खिलाफ है, और जो दंगा भड़का रहे हैं, जो समाज में नफरत बांटने का, जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, आप उनके साथ में हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज सभा जुड़ी है, आसाम के जो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी वकील हैं और पदाधिकारी भी हैं, कोई जनरल सेक्रेटरी है, तो ये जो आज सभा जुड़ी है वो कुछ ऐसे ही मुद्दों को लेकर के जुड़ी है जो मुस्लिम से जुड़े हुए हैं, जो CAA NRC से जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट्स से जुड़े हुए हैं, जो JNU से जुड़े हुए हैं, लगातार इन मुद्दों पर ये आवाज़ें बुलंद करने के लिए लोगों के यहाँ पर आए हैं। और इसी तरीके से जो सरकार अपनी राजनीति कर रही है, लगातार ऐसे ही लोगों पर शिकंजा ना कस करके उनको बढ़ावा दे रही है, तो ये आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि भारत देश के प्रधानमंत्री जी हैं। एक तरफ वो जब भाषण में बोलते हैं और बैठकर जब इंटरव्यू में बोलते हैं कि मैं सबके साथ हूँ, सबका साथ सबका विकास, और मुस्लिम्स भी हमारे भाई हैं, तो लेकिन ये लोग कौन हैं जो लगातार इस तरीके का जहर उगल रहे हैं और लगातार लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, दिल्ली।